दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ पांच बेस्ट कोरियन ड्रामास जिनको देखने के बाद अगर आप के ड्रामा के फैंस नहीं भी हो तब भी आप इनके फैन हो जाओगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर वन पर है किल मी हील मी। तो दोस्तों ये शो 2015 में आया था और वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी आपको इस शो में एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो दोस्तों शो की कहानी घूमती है शाडो ह्यू के इर्द गिर्द, जो कि एक बिजनेसमैन होता है जिसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है। कुछ लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स के बाद वो एक बार फिर अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसमें उसको सीक्रेटली हेल्प करती है ओ रीजिन, जो कि बहुत ही खूबसूरत फर्स्ट ईयर साइकेट्रिक रेजिडेंट होती है। बट ओ रीजिन का ट्विन ब्रदर होता है ओ री ऑन, जो एक राइटर होता है जिसको लगता है कि अमीर लोग जैसे बाहर से दिखते हैं वैसे होते नहीं है, जिसकी वजह से वो शा डो ह्यू के पीछे लग जाता है और उसकी लाइफ के सीक्रेट्स को अनकवर करना चाहता है। अब क्या शा डो ह्यू अपने मेडिकल कंडीशन पर कंट्रोल कर पाएगा इससे पहले कि वो सेवन पर्सनैलिटीज में से एक उसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगी जो उसके अंदर है? ये जानने के लिए आपको शो को देखना होगा। मैं बता दूं ये शो एक जबरदस्त ट्रीट है रोम कॉम फैंस के लिए। नंबर टू पर है हीलर। तो दोस्तों ये शो रिलीज हुआ था 2014 में और ये एक एक्शन थ्रिलर रोमांस जेनर का शो है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये ड्रामा रिलीज हुआ था उस समय तो इसको होम कंट्री में इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला था, बट ओवरसीज इस शो ने बहुत पॉपुलरिटी गेन की और अच्छा खासा फैन बेस क्रिएट करने में कामयाब भी रहा। तो ये स्टोरी है पांच फ्रेंड्स के एक ग्रुप की जो एक इलीगल प्रो डेमोक्रेसी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन चलाते हैं। तो जब द फिफ्थ रिपब्लिक इन साउथ कोरिया चल रहा था, मतलब कहानी पास्ट के इवेंट्स पर बेस्ड है, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ पार्क चंग ही जो थर्ड प्रेसिडेंट थे साउथ कोरिया के। इस काम को करने की वजह से तीन लोग जुड़ते हैं, एक नाइट कोरियर जिसका कोड नेम हीलर होता है, जिसके पास टॉप नॉच फाइटिंग स्किल्स है, एक रिपोर्टर जो एक सेकेंड रेट टेबलॉइड न्यूज वेबसाइट चलाता है और एक फेमस जर्नलिस्ट जो एक बहुत बड़े ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में काम करता है। तो जब वो लोग 1992 इंसिडेंट और प्रेजेंट डे मर्डर्स की मिस्ट्री को सुलझाने के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसी बीच कैसे वो ईमानदार रिपोर्टर्स बनकर उभरते हैं और किस तरह वो सच को और रियलिटी के ब्लड लाइंस को क्लियर करते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें बड़े बड़े मीडिया लीडर से पंगा ही क्यों ना लेना पड़े, यही इस ड्रामा की स्टोरी लाइन है। इस ड्रामा में आपको एक्शन, कॉमेडी, थ्रिल, रोमांस सब एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। नंबर थ्री पर है माय लव फ्रॉम अनदर स्टार। तो दोस्तों ये शो रिलीज हुआ था 2013 में और ये शो फैंटेसी रोम कॉम जॉनर में वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा है। तो इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है डो मिन जून नाम के एक एलियन की, जो अर्थ पर 1609 में आता है और सियो ही हुआ नाम की एक लड़की को क्लिफ से गिरने से बचाने की वजह से अपने रिटर्न ट्रिप को मिस कर देता है, जिसकी वजह से वो अर्थ पर ही रह जाता है। अब चार सेंचुरीज तक अर्थ पर रहने की वजह से वो ह्यूमन नेचर को अडेप्ट करता है और क्योंकि वो एक एलियन है और एज ना करने की वजह से हर 10 साल में उसको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ती है। इसी तरह उसकी लाइफ चल रही होती है और उसकी मुलाकात होती है शू सॉन्ग की, जो एक एक्ट्रेस होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है। अब जहां सिर्फ 3 महीने रह गए हैं 2 जून को अपने घर वापस लौटने में, वही शू सॉन्ग ही उसकी नेबर बनकर आती है। अब आगे क्या होता है, क्या 2 जून अपने प्यार की वजह से अर्थ पर ही रुक जाएगा या ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे कि उसको वापस जाना होगा, ये देखने के लिए आपको ये ड्रामा देखना पड़ेगा। नंबर फोर पर है बीथोवन वायरस। 18 एपिसोड लंबे इस म्यूजिकल ड्रामा में आपको ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कैंग गनबू, जो कि एक वर्ल्ड रिनोन्ड ऑर्केस्ट्रा माइस्ट्रो होता है, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, लोगों के साथ उसका काम करना बहुत मुश्किल होता है। बाई चांस वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है डूरूमी, जो वायलिन बजाती है, और एक यंग पुलिस वाला जिसका नाम भी कैंगन वू है, जो कि एक म्यूजिकल जीनियस होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तीनों ऐसे लव ट्राइंगल में फंसते हैं जिसको देखकर आप रोमांस और ड्रामा के अमेजिंग एक्सपीरियंस को फील करेंगे। कहानी में साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि कैंगन वू एक लोकल ऑर्केस्ट्रा को बचाने में भी लगा है। नंबर फाइव पर है रूफ टॉप प्रिंस। ये के ड्रामा रोमांस कॉमेडी ड्रामा और टाइम ट्रेवल जॉनर में वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा है और इसकी कहानी घूमती है क्राउन प्रिंस ये गैग के अराउंड, जो चोजन डायनेस्टी यानी आज से करीब 300 साल पहले की दुनिया से मॉडर्न डे सियोल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात होंग से ना से होती है, जो हूबहू उसकी वाइफ से रिजेंबल करती है। अब ये गैग अपनी वाइफ के मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व करने के पीछे लग जाता है। ये गैग एक यंग आदमी की आइडेंटिटी अज्यूम करके होंग से ना के क्लोज रहने की कोशिश करता है। अब क्या ये गैग इस मॉडर्न टाइम में अपनी वाइफ के मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएगा, ये देखने के लिए आपको ये शो देखना होगा। तो दोस्तों ये थे उन के ड्रामास की लिस्ट जिनको देखकर आप एक और कैटेगरी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने वाले हो। तो इन शोज को देखकर मुझे जरूर बताना कि आपको ये शोज कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।